सर माइक चेंज करो, माइक तो सारे बैठे बैठे सावधान हो जाएंगे, बैठे बैठे सावधान, बैठे बैठे बसो ना, सीधा बैठिए, सारे बैठ गए। अभी मैं आपको हाय बोलूंगा तो आप मुझे हेलो बोलेंगे, मैं बोलूंगा हाय तो आप मुझे हेलो बोलेंगे, और मैं आपको हेलो बोलूंगा तो आप मुझे क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे खड़ा नहीं गया आपने, है ना, आवाज आना चाहिए, बाहर तक आना चाहिए, हम बाहर हाईवे हाईवे के हॉर्न यहाँ पर सुनने को आते हैं, हमारा आवाज भी बाहर जाना चाहिए। हेलो 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 हाय 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 हेलो हेलो हेलो। चले छोटा सा वार्म अप किया क्योंकि नींद आ रही थी, वैसे मुझे भी नींद आ रही थी। दरअसल बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारे वक्ता होते हैं, इनमें दो वक्ता बहुत परेशान होता है, एक तो शुरुआती वाला और जो लास्ट वाला। कि शुरुआत वाला परेशान होता है कि मैं क्या बोलूं, और लास्ट वाला होता है कि मैं अभी क्या बोलूं, अभी बचा ही क्या है। तो मुझे लगता है मैं ही लास्ट सेकंड लास्ट हूं, और सारे प्रोग्राम का सारांश मैं हूं। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ बजाज ऑटो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट का, और यह संस्था किस लिए काम करती है और कैसे काम करती है। तो दो दिन से आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है मेक इन रूरल इंडिया, रूरल एंटरप्रेनर्स एंटरप्राइजेस जॉब क्रिएटर्स। हेलो रूरल एंटरप्रेनर रूरल एंटरप्राइजेस फॉर जॉब क्रिएटर्स। तो ऐसा ही कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव लेके हम बजाज ऑटो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट काम कर रही है, बजाज ऑटो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट काम कर रही है टर्निंग जॉब सीकर इनटू जॉब क्रिएटर्स। मतलब क्या, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो नौकरियां पाने की सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को हम जॉब क्रिएटर्स बना रहे हैं, यानी कि हम उनको एंटरप्रेनर बना रहे हैं। कैसे BYST कैसे हेल्प करती है, BYST क्या करती है? तो BA BYST करती है 18 to 35 एज ग्रुप के लोगों को हम हेल्प करते हैं। उनके पास अगर वायबल बिजनेस आइडिया, यानी कि उनके पास कोई अच्छा बिजनेस का कंसेप्ट हो, अच्छा उद्योग का कंसेप्ट हो, तो ऐसे कंसेप्ट लेंगे, और उनको अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है या पुराने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो BYST उनको 1 lakh to 50 lakh तक बिना कोलैटरल विदाउट गारंटर हम उनको नेशनलाइज बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंक से हम उनको लोन दिलाते हैं, और लोन होने के बाद 2 साल तक हम उनको मेंटरिंग सपोर्ट करते हैं। दो दिन से यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि उद्योग करना है, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उसके लिए मेंटर चाहिए, तो सारे के सारे चीजें BYST यानी कि हमारी संस्था में मौजूद है। हम नेशनलाइज बैंक से लोन दिलाते हैं, हमारे 6 नेशनलाइज बैंक के साथ MOU हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, SBI बैंक है, IDBI बैंक है। तो इस बैंक के माध्यम से हम एंटरप्रेनर्स को लोन दिलाते हैं, और लोन देने के बाद 2 साल तक हम उनको हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग सपोर्ट करते हैं। मेंटरिंग सपोर्ट करते हैं वर्धा में, हम मैन टू मैन मेंटरिंग करते हैं, यानी कि गुरु शिष्य, हमारे प्राचीन भारत में एक परंपरा थी गुरु शिष्य परंपरा। तो हम हर एंटरप्रेनर को एक गुरु देते हैं, एक मेंटर देते हैं, जो उसको 2 साल तक उसको हैंड होल्डिंग मेंटरिंग सपोर्ट करता है। और ग्रामीण मतलब रूरल भाग में हम जाएंगे, रूरल जगह जाएंगे जो वर्धा से 60-70 किलोमीटर दूर है,
जहाँ पे मेन टू मेन मेंटरिंग हम नहीं दे पाते तो उनके लिए हम मोबाइल मेंटर क्लिनिक रखते हैं, जो एक वैन में हम 5-6 एक्सपर्ट मेंटर्स को लेके जाते हैं, वो उनको वहां पे जाके गाइड करता है। हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, हाय, हेलो, हाय। तो BYST बजाज ऑटो, सॉरी BYST 11 क्लस्टर्स में काम करती है, पैन इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें महाराष्ट्र में वर्धा, औरंगाबाद एंड पुणे में काम करती है, ओडिशा में जाजपुर, रायगढ़ एंड कलिंगनगर एंड ब्राह्मणीपाल में काम करती है, दिल्ली में गुरुग्राम में काम करती है, चेन्नई में काम करती है, हैदराबाद में काम करती है। तो ऐसे 11 क्लस्टर्स में BYST काम करती है। आज तक हमने 5 लाख लोगों को काउंसल किया है, काउंसलिंग हम उनका 5 लाख लोगों का किया है पूरे, ये नेशनल फिगर है हमारा। उसमें से 6,500 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और 4,500 लोग आज हमारे BYST के एंटरप्रेनर्स हैं, और जिनके माध्यम से 2,50,000 लोगों को जॉब मिला। ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। वैसे तो वर्धा में हमने 216 उद्योजक हमने अब तक आज तक क्रिएट किए हैं 2016 से, तो उसमें से सिर्फ मैं 2 स्टोरी लेके आया हूँ। ये हमारा एंटरप्रेनर है समीर चौधरी, जिनको हमने 6 लाख रुपए लोन करा था, 6 लाख रुपए हमने 6 लाख उनको स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से हमने उनको लोन दिया था, जिसमें उन्होंने 4.5 लाख की पापड़ मैन्युफैक्चरिंग की मशीन उन्होंने खरीदी और 1.5 लाख रुपए हमने उनको वर्किंग कैपिटल के तौर पर दिया, और आज उनका बिजनेस का टर्नओवर 70 लाख के आसपास चला गया है, और उनके माध्यम से 25 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको जॉब क्रिएट हुए हैं। ये हमारे सेकंड एंटरप्रेनर है राधिका लोहिया जी, इनको हमने 10 लाख का लोन दिया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, और उनका भी बिजनेस बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और उनके मेंटर वो कॉर्नर में, ये वो एंटरप्रेनर है और ये उनके मेंटर है, ये उनके गुरु है। तो गुरु का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के से लेके बिजनेस को सस्टेन करने तक एक गुरु का काम होता है। जैसे हम एक झाड़ लगाते हैं, छोटा सा रोप लगाते हैं, और उस रोप को बड़ा होने के लिए हम कुंपन लगाते हैं, यानी कि फेंसिंग करते हैं उसको। जब तक वो झाड़ इतना बड़ा नहीं होता तब तक वो कुंपन वैसे रहता है, फिर हम वो कुंपन निकालते हैं तो वो झाड़ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, फिर उसको कोई खाता नहीं है। तो वैसा ही मेंटर का काम होता है, मेंटर उसको बड़ा होने तक उसको संभालता है, बाद में फिर वो ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है। कौन सा? ये राधिका जी का, इनका ब्यूटी पार्लर एंड स्पा है, स्पा। ये हमारे वर्धा का स्टैटिस्टिक है, 3 साल में यानी कि सितंबर 2016 अप्रैल से हमने BYST वर्धा का स्टार्ट किया, आज तक का हमारा फिगर है, हमने 4,050 लोगों का काउंसलिंग किया वर्धा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, जिनमें से 216 लोगों को हमने नेशनलाइज बैंक से डायरेक्ट फाइनेंस हमने दिलाया, हमने 132 मेंटर्स वर्धा में से इंडक्ट किए, जिनमें से कुछ मेंटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अतुल शर्मा जी है, आशीष सर है, सोम पंड्या जी है, महोदय जी है, तो ये हमारे वर्धा के मेंटर्स हैं, ये उस एंटरप्रेनर को गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। हम कुछ नेशनल, हम उस एंटरप्रेनर को हमारे एंटरप्रेनर के सक्सेस स्टोरीज अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन करते हैं, तो उसमें से वर्धा के एक एंटरप्रेनर को एक नेशनल अवार्ड मिला, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने उनको रूरल एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर करके सम्मानित किया। और एक हमारा एंटरप्रेनर है जो हल्दी मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो साउथ कोरिया में उसकी हल्दी एक्सपोर्ट होती है, तो उस एंटरप्रेनर को स्टेट लेवल महाराष्ट्र स्टेट से अवार्ड मिला।
और हमारे साथ ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनको मुद्रा कमिटी ने उनको सम्मानित किया और हमारा सक्सेस रेट रेशियो आज 100% है। मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, शुभम कुमार से प्लीज सामने आइए, कैमरा चालू रखिए। लेकिन शुभम कुमार से कुछ भी और कैमरा मैन और इसलिए कोई ऑप्शन आता पड़ेगा फ्रॉम वर्धा सपोर्टेड बाय डिवाइस। ये हमारे प्रोग्राम की तीसरी आंख है जो जो आप लोग आज इस प्रोग्राम देख पा रहे हैं, लेकिन जो इस प्रोग्राम के लिए आ नहीं पाए वो ऑनलाइन जब प्रोग्राम देखेंगे तो वो शुभम के कारण देखेंगे। और शुभम हमारा बजाज ऑटो BYST का हमारा एंटरप्रेन्योर है जिनको हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2 लाख रुपए लोन फाइनेंस करा था और वो ही हमारा सबसे छोटा एंटरप्रेन्योर है। उसके जब हमने उसको लोन दिया था तो उसकी एज 20 थी, 20, अब आज उसकी 22 है और वो एजुकेशन भी कर रहा है, घर में पापा के साथ खेती भी करता है और फुल टाइम उसका ये बिजनेस भी है। और आप देखोगे उसके साथ एक बंदा भी आया हुआ है जिसको उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है और उसकी एज 20 है, मेरी एज 30 है और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो टर्निंग जॉब सीकर इनटू जॉब क्रिएटर्स, वो आज जॉब मांगता था लेकिन आज वो जॉब दे रहा है। तो ऐसा है। तो BYST के कुछ कमेटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये हमारी कमेटी है BYST स्टार्टेड बाय JRD टाटा एंड हमारे भारत के 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, उनके लड़के मिस लक्ष्मी वेंकटेशन एंड प्रिंस ऑफ वेलिस प्रिंस चार्ल्स, इन इन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन 1992 में दिल्ली में फाउंड करी। और मार्च 2018 तक हमारे चेयरमैन राहुल जी बजाज थे और अभी डॉक्टर नौशाद कोप्स जी हैं, राहुल बजाज जी हमारे पैटर्न मेंबर हैं और बाकी सारे इंडस्ट्रियल बिजनेस टाइकून्स हैं जो BYST के BOT में है और उनके गाइडेंस से हमारे ये क्लस्टर्स चलते हैं। ये कुछ अवार्ड्स के फोटोज है। ये हमारा एंटरप्रेन्योर है जो हल्दी सप्लाई करता है साउथ कोरिया में, जिसको कृषितान अवार्ड सम्मान मिला था। ये हमारा पुणे का एंटरप्रेन्योर है जिसको YWA यूथ बिजनेस इंटरनेशनल का अवार्ड मिला था UK में। हमारे एक एंटरप्रेन्योर है समीर जी, उनको दिल्ली में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और प्रोग्राम में प्रिंस चार्ल्स जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी थे। और ये कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो जिनके साथ हम काम करते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था, बस मेरा जाते जाते बस इतना कहना है कि आप यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, हाय 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 हेलो हेलो, बस मेरा जाते वक्त इतना ही कहना है, यहाँ पे सारे के सारे बड़े मेंटर्स हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस मतलब सारे के सारे लोगों का, कुछ लोगों का बिजनेस है, कोई कंसल्टेंट है, कोई जॉब कर रहा है और आप सारे लोग मेंटर बन पाओगे और आप मेंटर हो आपके एरिया में। आप जब भी रिटर्न जाओगे, अपने घर जाओगे और आपको कोई पूछने आया कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे आप गाइड कीजिए, तो आप एक अच्छे मेंटर बनिए। मेंटर बनने के बाद उसका काउंसलिंग कीजिए और मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा, वो पॉइंट पे गौर करके उसको बैंक में आप रिफर करिए और उसको आप बैंक में भेजिए। आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट बैंक बट देन टू हैव मैं मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का मैं BYST का एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है। बिजनेस करना है तो लोन के लिए स्कीम्स है जिसमें स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंडअप इंडिया है, मुद्रा स्कीम है, CGTMSE स्कीम है। तो इस माध्यम से भी आप उस एंटरप्रेन्योर को गाइड कर सकते हैं, आप उनको ये सलाह दे सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाख तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट बैंक में नहीं होती है।
लेकिन कुछ कुछ बैंक्स कुछ स्टैटिस्टिक निकालने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है, फिर भी 2 लाख तक बाय रोल उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं लगती है। तो आप ये बात याद रखना और एंटरप्रेन्योर को गाइड करते हो कि गाइड करना। दूसरी बात, बैंक को 25% ओन कॉन्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक आपको 100% फाइनेंस नहीं करेगा। तो आपके पास जो कोई इंक्वायरी आएगी, जो कोई पूछने के लिए आएगा, तो आप उसको ये बताना कि भाई तेरे पास पहले 25% अपना जमा कर, फिर तू बिजनेस के लिए सोचना। और 25 नहीं, मैं तो कहूंगा कि 40-50% तू खुद का रखना, 25% बैंक के लिए और 15-20% जेब में रखना, ताकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद यूज हो सके। देन बैंक के गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सब्सिडी के स्कीम है, सर ने भी बताया, जैसे DIC सीड मनी है, PMEGP स्कीम है और भी बहुत सारे स्कीम्स है। CGTMSE में अगर आप लोन कवर करोगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक आपको विदाउट कोलैटरल विदाउट गारंटर आपको लोन मिल सकता है, लेकिन CGTMSE की 1% एनुअल प्रीमियम भरना पड़ता है आपको। सेकेंड ईयर 0.5%, थर्ड ईयर 0.5% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे वो भरना पड़ता है, तो बैंक आपके अकाउंट से काट लेती है, तो वो भी याद रखना, आप उसको गाइड करना। और बैंक मैनेजर सर 2 मिनट में खत्म करता हूँ, बैंक मैनेजर एंटरप्रेन्योर से उसका कॉन्फिडेंस देखेगा, उसका फैमिली सपोर्ट देखेगा, उसको बिजनेस का नॉलेज कितना है यही देखेगा, तो ही बैंक उसको फाइनेंस करेगा। और बैंक के पास भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक को भी उनको लोन देना है, बस उसको जेन्युइन पर्सन को लोन देना है और उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। तो आप ये बात याद रखना और आप ऐसे गाइड करना। और लास्ट वाले में बात कर रहा, एक चीज में बताना चाहूंगा, बैंक सबसे पहला सिविल रिकॉर्ड देखेगा, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो स्कोर आपको 750 से लेके 900 तक आपका स्कोर अगर होगा, एंटरप्रेन्योर का स्कोर होगा, तो ही बैंक फाइनेंस करेगा, नहीं तो बैंक फाइनेंस करेगा नहीं। उसके लिए आप कोई भी बैंक में जाके झगड़े मत करना, वो एंटरप्रेन्योर के बिहाफ से कोई आप उनमें झगड़ा मत करना और आंदोलन कुछ मत करना। तो उसका उस एंटरप्रेन्योर का सिविल स्कोर 750 होना चाहिए, कम से कम 750, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल है? सवाल सर, ऐसे लोगों को नहीं होते जिनको सब समझ में आया, और ऐसे लोगों को नहीं होते जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया। तो मैं सोचता हूँ कि आपको सबको समझ में आया, आपको सभी को क्रिसमस की और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।